दोस्तों इस वक्त मैं हूँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे। सामने आप देख सकते हैं इसका गेट और ये जलासन घाट का सीवेज पंपिंग स्टेशन है। आज की वीडियो में मैं आपको काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से दशमेध घाट के तक के दर्शन कराऊंगा। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना। आपसे यहाँ सामने आप देख सकते हैं ललिता घाट है, इस पर नेपाली मंदिर भी बनाया गया है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी सीढ़ियाँ लगाने का काम चल रहा है। यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं जो कि यहाँ आगे लगाए जाएंगे। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं रैंप बनाया गया है, इसके माध्यम से लोग नाव से यहाँ पर उतर कर कॉरिडोर का दर्शन करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर दो हाइड्रोलिक्स मशीन भी लगाई गई है जो कि ये जो भारी भारी पत्थर हैं उनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखती हैं। ये ललिता घाट है और इसको भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंतर्गत बनाया जाएगा क्योंकि ये भी जर्जर हाथ में नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं इसका भी पुनर्विकास किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा सामान रखे गए हैं जो कि अभी यूज़ होंगे कॉरिडोर बनाने में। गंगा का लेवल काफ़ी नीचे आ चुका है, इसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर मिट्टी नज़र आ रही होगी आपको। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है हिस्टोरिकल नेपाली टेम्पल जिसको पशुपतिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ से इसका रास्ता है, ये ऊपर मंदिर नज़र आ रहा होगा आप। यहाँ पे चाय की दुकान भी है। यहाँ देख सकते हैं मिट्टी नज़र आ रही होगी आपको, पानी काफ़ी नीचे जा चुका है। सामने घाट पे देखिए यार कितनी सारी नावें खड़ी हुई हैं एक साथ। इस समय 9:30 बज रहे हैं और अभी से ही धूप चुभने लगी एकदम। कल का टेम्परेचर तो 42.5 डिग्री था। देख सकते हैं कूड़ा भी बनाया गया है, सूखा का अलग गीला का अलग, और लोग इसे फॉलो करें तभी ना काम आएगा। यहाँ देख सकते हैं कूड़ेदान यहीं बगल बनाया गया है, तो लोग यहाँ पे कूड़ा फेंकते हुए। यहाँ पे देख सकते हैं गेस्ट हाउस भी है, गणपति गेस्ट हाउस, गणेश जी की यहाँ पे पेंटिंग्स बनाई गई है। और ये ऊपर आप देख सकते हैं बड़ा सा होटल हल्का है, यहाँ से गंगा का व्यू कितना मस्त आता होगा। इस समय हम मेरी घाट पे हैं, घाट के उस पार भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं उस समय। यहाँ पे देख सकते हैं पानी का बोतल फेंका जा रहा है जिसमें आप गंगा जल भर के पी सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे पान फूक रहे हैं लोग, बनारसी सुगंधित सर है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में भी जो कूड़ादान बनाया गया है मैंने देखा उस पर भी लोग पान थूके हुए हैं। थोड़ी देर पान नहीं खाएंगे पता नहीं क्या चला जाएगा लोगों का। इस समय हम त्रिपुरा भैरवी घाट पे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे
लोग स्नान कर रहे हैं। गर्मी देख के मेरा ही मन करने लगा कि मैं भी नहा लूं, पर तैरना आता ही नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉल्फिन रेस्टोरेंट है, यहाँ से बैठ के खाने में कभी भी आएगा वहाँ सामने का ये नज़ारा आपको दिखाई देगा सामने। और हम आ चुके हैं इस समय मान मंदिर घाट पे, सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं सामने बोट बनाई जा रही है। यहाँ का भी पूरा दान लगाया गया है। यहाँ पे लोग स्नान करके कपड़ा पहन रहे हैं। ये सामने आप जो टावर देख रहे हैं ये दशाश्वमेध घाट का टावर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे लोग यहाँ पे हैं जो कि गंगा में स्नान करने या बोटिंग करने के लिए रुके हुए हैं। यहाँ पे हैं राजेंद्र प्रसाद घाट पे, सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, वैसे बनारस में ये एलईडी स्क्रीन 6 जगह पर लगाई गई है। यहाँ से नज़ारा देखिए आप, यहीं से आए हैं अभी हम, ये नज़ारा सामने से आप देख सकते हैं। हम दशाश्वमेध घाट पे आ चुके हैं, सामने नज़र आ रहा होगा आपको। प्यास लगी है, अब गुलगुला चौराहे पे जाके ठंडा ही पिया था। देख सकते हैं रिवर पुलिस डिस्ट्रिक्ट पर आरसी है, यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ तक लगभग बाढ़ का पानी आ रहा था। भीड़ देख सकते हैं यहाँ पे आप, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।